फ्रेंड्स, मैं शिखा श्रीवास्तव मेरे चैनल सिंपल रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घर पर हम कस्टर्ड पाउडर कैसे बना सकते हैं। तो राइट में आप देख रहे हैं, ये कस्टर्ड पाउडर है और इसी कस्टर्ड पाउडर से मैंने जो कस्टर्ड बनाया है वो लेफ्ट में मैंने उसकी पिक्चर दी हुई है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कस्टर्ड पाउडर बना है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कस्टर्ड पाउडर बनाने के लिए मैंने एक प्याली चीनी ले ली है और जिस प्याली से हम चीनी का मेज़रमेंट करेंगे उसी प्याली से हम आधी प्याली मिल्क पाउडर ले लेंगे और आधी प्याली कॉर्नफ्लोर ले लेंगे। और मैंने लिया है 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर और 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। तो कस्टर्ड पाउडर बनाने के लिए हम एक मिक्सिंग जार ले लेंगे और उसमें शक्कर डाल देंगे और उसका हम पाउडर बना लेंगे। तो मैंने शक्कर को ग्राइंड कर लिया है। जब हम एकदम से ढक्कन खोलते हैं तो शक्कर उड़ती है, तो थोड़ा एक मिनट के लिए आप रुक जाएं, उसके बाद इसका ढक्कन खोलें। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे, कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर देंगे, फूड कलर और वनीला एसेंस भी ऐड कर देंगे। बस अब हम ढक्कन लगाकर ग्राइंड कर लेते हैं सारी चीज़ों को एक साथ। तो ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं कस्टर्ड पाउडर बनके तैयार हो गया है। इसका कलर आपको भी बहुत लाइट दिख रहा है, लेकिन इसमें फूड कलर होता है और जब हम इसको दूध के साथ मिक्स करेंगे तो इसका कलर बहुत डार्क हो जाएगा। और मैंने इसका कस्टर्ड बनाया तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।